हेलो एवरीवन, वेलकम टू बॉन्ग किचन एंड ब्लॉग्स। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक प्योर बंगाली ट्रेडिशनल डेजर्ट रेसिपी दिवाली के अवसर में। जी हाँ, आज हम बना रहे हैं पाटी शापटा। ये ना बहुत ही टेस्टी पीठा है जो ऑलमोस्ट सारे बंगालीज के घर में बनता है। आप लोगों में से कई लोग इसके बारे में जानते भी है और कई लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा न्यू है। तो आज हम पाटी शापटा पीठा बना रहे हैं बॉन्ग किचन एंड ब्लॉग्स में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। पहले तो हम बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर के लिए मैंने यहाँ लिया है राइस फ्लावर 2 कटोरी। मैं यहाँ होममेड राइस फ्लावर यूज़ कर रही हूँ। मैं इसमें ऐड कर दूँगी 1 कटोरी मैदा। फिर इसमें ऐड करना है 1/4 कटोरी सूजी। देखिए, मैं मेजरमेंट जो है ना वो मैं सेम कटोरी से ही ले रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए। फिर मैंने यहाँ ले लिया है 1 कटोरी शुगर। थोड़ा चुटकी भर नमक भी ऐड करेंगे, बस चुटकी भर। फिर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कोकोनट। मैंने यहाँ डेडिकेटेड कोकोनट लिया है, आप चाहे तो फ्रेश कोकोनट भी यूज़ कर सकते हैं। फिर इसका बैटर बना लेना है। हम मिल्क यूज़ करेंगे। मिल्क को ना एक बार में नहीं ऐड करेंगे, धीरे धीरे ऐड करेंगे और इसका फाइन बैटर बना लेंगे। बैटर हमें गाढ़ा नहीं बनाना है, जैसे डोसा का बैटर बनता है ना वैसे ही सेम हमें बना लेना है। ठंडियों के टाइम ही बंगाली हाउस होल्ड में पाटी शापटा बनाया जाता है। ये गरम गरम ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में, लेकिन आप इसको 2-3 दिन तक स्टोर करके भी खा सकते हो, लेकिन फ्रिज में स्टोर करना पड़ेगा। बैटर का कंसिस्टेंसी मैं अभी ऐसे ही रख रही हूँ, 2 घंटे के लिए इसको रेस्ट करने देंगे। बाद में चाहिए होगा तो हम पानी या दूध फिर से ऐड कर सकते हैं। बैटर तो हमने रेडी कर लिया है, अभी फिलिंग के लिए मैंने यह ले लिया है काऊ मिल्क 1 लीटर। मैं यह पैकेट वाला काऊ मिल्क यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये गाढ़ा होता है तो हमारा जो खीर है ना वो अच्छा बनेगा। फिर ऑन कर लेंगे गैस और हमें दूध को ना गाढ़ा होने तक बॉईल करना है। दूध जो है वो बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। मैंने यहाँ 2 चम्मच दूध निकाल के रखा है। क्यों निकाला है चलिए मैं आपको बताती हूँ। तब तक हम दूध में ऐड कर रहे हैं 1 कटोरी शुगर। शुगर जो है आप 1.5 कटोरी भी ऐड कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं किसको कितना मीठा चाहिए। फ्लेम को ना हम लो कर देंगे और चम्मच चलाते रहेंगे, नहीं तो दूध जो है वो नीचे से जल भी सकता है। मैंने 2 चम्मच जो दूध निकाल के रखा था उसमें मैं 1 चम्मच मैदा मिक्स कर रही हूँ। मैदे को अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि लम्ब्स ना रहे। अगर आपके पास कॉर्न फ्लोर हो ना आप इस टाइम में मैदे के बदले वो भी ऐड कर सकते हैं। दूध देखिए सूख के ऑलमोस्ट आधा हो गया है। इस मोमेंट पे मैं ऐड कर रही हूँ जो मैदे वाला दूध है ना वो। इससे क्या होगा ना, दूध जो है ना वो थिक होगा और इसका जो खीर बनेगा ना वो बहुत ही टेस्टी होगा। लेकिन इस मोमेंट पे ना आपको चम्मच चलाते जाना है, नहीं तो इस मोमेंट पे लगने के पूरे चांसेस हैं। तो चम्मच को कंटिन्यूसली चलाना है। ये देखिए, ये फिलिंग जो है ये एकदम परफेक्ट है। गैस कर लेते हैं बंद और इसको हम निकाल लेते हैं। खीर को चलिए अच्छे से ठंडा कर लेंगे, इसको गर्मा गर्म हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। 2 घंटे हो गए, चलिए बैटर चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर जो है वो बहुत ही थिक है, मैं इसको अभी पतला कर लूँगी। तो मैं इस टाइम में दूध नहीं पानी ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले काफ़ी सारा दूध यूज़ किया है। खीर जो है ये पूरी तरह ठंडी हो गई है। अभी ना हम खीर का ना ऐसे सेम शेप दे लेंगे, मतलब रोल बना लेंगे। टिश्यू पेपर में मैंने मस्टर्ड ऑयल लगा लिया है और तवे को ऐसे ही ग्रीस कर लेंगे। तवे को ना पूरा गर्म कर लीजिए। फिर फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे। फिर इसमें बैटर ऐड कर देंगे। खीर का जो रोल बनाया था
इसमें ऐड कर देंगे। खीर का रोल इसलिए हमने बनाया ताकि ये इक्वल अमाउंट में स्प्रेड हो। फिर बस इसको हल्के हाथ में हमें फोल्ड कर लेना है। ये देखिए पीठा जो है ये एकदम रेडी हो गया है। हम सेम प्रोसेस में बाकी भी बना लेंगे। उसी टिश्यू पेपर से मैंने फिर से जो है तवे को ग्रीस कर लिया है। हमें ज़्यादा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और बस सेम प्रोसेस फॉलो करना है। पहले बैटर ऐड करेंगे, फिर खीर और इसको फिर फोल्ड कर लेंगे। तो इस दिवाली इस बंगाली ट्रेडिशनल स्वीट को ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसा लगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी ये बंगाली रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिए। विशिंग यू ऑल ए वेरी हैप्पी दिवाली। थैंक यू फॉर वॉचिंग बॉन्ग किचन एंड ब्लॉग्स।